हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, शिब्बू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जो बहुत ही मजेदार डिश है। तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रेसिपी के साथ जो है चिकन 65, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये है। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेशन की तैयारी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम, जिसके हमने ऐसे पीसेस किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लीमू का रस, चावल का आटा 2 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और अब हम फेटे हुए अंडे को जो है इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो गाइस, सारे मसालों को जो है हमने चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। गाइस, चिकन मैरिनेट होके 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो गाइस, 5 मिनट के लिए हमने जो है इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इन पीसेस को टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी 5 मिनट फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो गाइस, 5 मिनट जो है वो हो चुकी है और हमने चिकन के पीसेस को जो है वो फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो पीसेस है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें पैन में लेंगे 2 टीस्पून ऑयल, लहसुन चॉप किया हुआ और इसे हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। लहसुन को जो है हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम उसमें कड़ी पत्ते और हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 चुटकी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। तो गाइस, चिकन 65 जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको एक प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे। तो लीजिए गाइस, चिकन 65 जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।